मुझे ये लगता था कि पता नहीं शायद मैं अपने माँ बाप के पास पहुँच सकूंगा भी सही के नहीं सकूंगा। बोलता यार ये कब तक तुम टायर धोते रहोगे। मैंने कहा जब तक मेरा नसीब है। तो वो अब्बू वहाँ देख के रोना शुरू हो गया। तो अब्बू को पता नहीं था, अब्बू को मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं उनको कॉल करूंगा, उन्होंने मुझे भगा दिया। फिर मुझे अब्बू ने बोला कोई जरूरत नहीं है काम करने की, बस तुम घर पे बैठो, हम लोग कमा सकते हैं और तुझे खिला सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमाएं और मैं घर पे बैठा रहूं। तो ये चीज़ मुझे गवारा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप इसको अच्छे तरीके से चलाओ। ठीक है, मैं सर एज ए यूट्यूबर हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से यूट्यूब पे ही अभी फैमिली ब्लॉग बना रहा हूँ। यार मेरा ये सफ़र शुरू ऐसे हुआ कि 2007 में मैं कराची में आया था। फर्स्ट टाइम हम लोग कराची में आए थे। और क्योंकि हर इंसान की कामयाबी के पीछे ना, वो जैसे एक औरत का हाथ होता है वो तो हकीकत, चाहे वो माँ हो, बहन हो या आपकी वाइफ हो, किसी न किसी का हाथ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे हमारी माँ का हाथ है। 2007 से हम लोग कराची में आए, शिफ्ट हुए यहाँ पे। और मैंने जो है ना, अभी मुझे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप में बहुत एटीट्यूड है। मैंने कहा देखें, एटीट्यूड नहीं है, मैंने जो मेहनत करके स्ट्रगल करके जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। फिर कुछ लोगों ने बोला क्या मेहनत की आपने, तो मैंने उनको क्या बताया कि मैंने क्या मेहनत की। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, जमजमा पे मुझे जॉब मिली थी चौकीदार की। अच्छा, ठीक है। और उस टाइम पे ना मुझे, क्योंकि आप जब आप गांव से ना शहर में शिफ्ट होते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। शहर की एक अलग दुनिया होती है और गांव की एक अलग दुनिया होती है। गांव का आपको पता है मिलजुल के रहना होता है, यहाँ जो है ना आपको थोड़ा अलग की रखनी पड़ती है, क्योंकि वो माहौल नहीं मिलता आपको। सही, थोड़ा सा परेशानी होती है। उस टाइम पे थोड़ी परेशानी हुई, चौकीदारी का मिला। फिर ऐसा ऐसा मुझे ना कुकिंग सीखने का बड़ा शौक है। फिर मैंने ना वो इधर ही खड़ा मार्केट में कुकिंग सीखी अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद फिर मैंने, मुझे ड्राइविंग सीखने का ना एक शदीद शौक था कि यार इस चीज़ को मैंने सीखना है। और इस चीज़ को सीखने के लिए मैं हिजरी से कैंट तक पैदल जाता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास किराया नहीं होता। तो मैं ड्राइविंग सीख रहे उस्ताद साजिद है मेरे, जो सितारा खाला के हस्बैंड है। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि आप जो है ना उसको उस्ताद क्यों बोलते हैं। तो मैं उनको उस्ताद इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी। और मैं यहाँ से कैंट तक जो है ना पैदल चल के जाता था, उसके बाद जो है ना फिर वापसी आना, मतलब वहीं से फिर वापसी आना। ये नहीं कि मतलब वहाँ से, उस टाइम पे किराया भी नहीं होता था, तो मतलब बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मैं ड्राइविंग बहुत जल्दी सीख गया था। क्योंकि आपको किसी चीज़ का शौक़ हो ना तो वो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ड्राइविंग करना शुरू कर दी। अच्छा, एक वक्त बीच में ना मेरा एक वक्त ऐसा आया था कि ना मेरी लड़ाई हो गई थी जहाँ पे मैं काम करता था, तो उन्होंने ना मुझे वहाँ से निकाल दिया था। तो मैं ना एक हफ्ते तक जो है ना फुटपाथ पे भी सोता रहा। ये नीलम कॉलोनी में अभी भी वो सब्ज़ी वाली शॉप याद है मुझे, जो मुझे सुबह का नाश्ता भी करवाते थे अपने साथ और रात का खाना भी। और वो मुझे बोलते थे आप मेरे साथ आ जाओ, लेकिन वो एक गांव वाले थे ना, तो डर होता था, खौफ में कि यार कहीं जो है ना कुछ हो ना जाए, ये कहीं ले के ना ले चले जाए। क्योंकि बचपन में ना गांव में ये कहावत सुनते थे, किसी के साथ नहीं जाना, कोई ले के चला जाता है, शहर वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो वो डर था। तो उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से एक हफ्ता मैं सोता रहा। एक हफ्ते के बाद मेरा अब्बू ना वहाँ से, इत्तेफाक अब्बू भी ड्राइविंग करते थे यार, वो वहाँ से गुजरे तो उन्होंने मुझे देखा, तो अब्बू वहाँ देख के रोना शुरू हुआ। तो अब्बू को पता नहीं था, अब्बू को मेरे पास मोबाइल नहीं था कि मैं उनको कॉल करूँगा, उन्होंने मुझे भगा दिया। तो अब्बू ने यही समझा, क्योंकि अब्बू आते थे 10-15 दिन के बाद चक्कर लगाते थे। तो अब्बू ने मुझे देखा और रोना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा अब्बू ऐसे ऐसे काम से, तो मुझे तो बताओ। मैंने कहा आपको कैसे, फोन ही नहीं है मेरे। मैं रोना शुरू हो गया। फिर वो मुझे घर लेके गए और फिर मुझे अब्बू ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, बस तुम घर पे बैठो, हम लोग कमा सकते हैं और तुझे खिला सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमाएं और मैं घर पे बैठा रहूं। तो ये चीज़ मुझे गवारा नहीं है।
वो फिर उस टाइम ना बहुत रोए थे और मैं भी बहुत रोया था क्योंकि मुझे ये लगता था कि पता नहीं शायद मैं अपने माँ बाप के पास पहुँच सकूँगा भी सही के नहीं सकूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्राइविंग की और ड्राइविंग सऊदीया में की आपने? नहीं, मैंने यहाँ ड्राइविंग सीखी यहाँ पे और यहाँ पे 2 साल मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के पास जॉब ड्राइविंग की, उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया था। अच्छा, सऊदी अरब में मैं जो है ना बिजली के वीज़े पे इलेक्ट्रिशियन के वीज़े पे गया था, लेकिन वहाँ पे मैं जो है ना क्या कहते हैं वो काम भी करता था और उसके साथ ड्राइविंग भी करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी स्ट्रगल किया, वहाँ भी तकरीबन कोई मैंने 3 साल काम किया था। तो बहुत मुश्किल है वहाँ मजदूरी करना, बहुत मुश्किल है। लोगों को जितना आसान लगता है ना कि आप बाहर चले जाते हो तो वो जैसे सुनते हैं ना कि पेड़ पे पैसे लगे होते हैं, वो चीज़ नहीं होती। अब जब मैं 2014 में गया था और 17 में वापसी आया था, तब जो है ना कुछ हालात फिर भी बेटर थे, लेकिन आजकल जो है ना बहुत टफ जा रहा है, बहुत टफ। मेरे तो कोई पूछता है ना कि भाई, मैं बोलता हूँ तुम पाकिस्तान में चले, अपना मुल्क तो है, कुछ भी होता है आप अपने घर तो पहुँच सकते हो, वहाँ से आपको छुट्टी लगवाओ वीज़ा ये करते करते अगले को जो है ना अगर कोई बंदे की डेथ होगी तो उसको दफना देते, ये हालात पहुँच जाते हैं। मैं तो यही, उसके बाद मैं वापसी आया हूँ, फिर मैंने अपार्टमेंट्स है वहाँ पे जॉब की है 2 साल। वहाँ पे क्या जॉब थी? वहाँ पे ड्राइविंग की है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक था तो मैंने ड्राइविंग ही किया। वैसे मैं बिजली का काम पूरा जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, घर का काम सारा खुद करता हूँ। अच्छा, तो वो की है और 2 साल के बाद मैं वो भी करता था और उसके साथ ना जब तक खाला भी व्लॉगिंग बनाना शुरू हो गई थी और छोटा भाई भी। अच्छा, बाबर भाई भी? वो भी। उसने मुझे फिर एक दिन बोला कि भाई आप जो है ना व्लॉगिंग करो। मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आती, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। जो मैं बोलता यार ये कब तक तुम टायर धोते रहोगे? मैंने कहा जब तक मेरा नसीब है, मतलब अपनी हलाल की कार हो ना किसी से, मतलब ये तो नहीं है ना कि छीन के कार हो। बोलते देखो वो भी आप करते रहो लेकिन आप ये लाजमी। मैंने कहा चलो, फिर मुझे एडिटिंग का नहीं पता था, व्लॉग बनाना कैसा होता है वो भी नहीं पता था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली ने फिर मुझे सपोर्ट की, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी काला ने, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे सिखाया कि मोबाइल को कैसे पकड़ते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके पास मोबाइल अच्छा होना चाहिए तो फिर व्लॉगिंग। देखो अच्छा मोबाइल होना चाहिए, उस पर रिज़ल्ट अच्छा आता है, मैं मानता हूँ, लेकिन शुरू में अगर आपके पास जो भी है आप उससे स्टार्टिंग लो, क्योंकि आपके पास इनकम है, आप उसके बाद फिर चेंज कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास इन्फिनिक्स का 17,000 का मोबाइल था। अच्छा, और उस पर मैंने 6 महीने व्लॉगिंग की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लाजमी तो नहीं है कि आपके पास 2 लाख का मोबाइल हो तो फिर आप व्लॉगिंग करो, ये लाजमी है। ये आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कॉन्टेंट बना सकते हो और अगले बंदे को एग्री कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर किया, उसके बाद फिर जो है ना जब मैंने देखा कि मेरी इनकम स्टार्ट हो गई है, मैंने फ़ौरन नहीं छोड़ दिया था। मैंने 6 महीने ये ब्लॉगिंग की, 6 महीने के बाद मेरे पास इतना पैसे थे कि मैंने कहा 2-3 महीने अगर मेरा काम नहीं भी लगता तो फिर मैं छोड़ूँ। बाज़ दफ़ा लोग ऐसे करते हैं, उसको जैसे ही आपकी फर्स्ट इनकम आती है आप छोड़ देते हो, ये चीज़ गलती कभी भी ना करें। अच्छा, ठीक है, आपके पास 2-4 महीने का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ना कभी आप कभी डाउन इंसान चलता रहता है, एक जैसे हालात नहीं रहते, तो आपके पास ना एक सेट बिजनेस भी होना चाहिए। मेरा मानना जो ये, मैं खुद अभी जो है ना अभी कुछ चक्कर में हूँ कि कोई सेट बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, कभी ये डाउन है कभी आप पे, यार इसका तो कोई वो नहीं है ना। आपके पास सैड बिजनेस होगा, आपको अगर ये इससे कुछ होता भी है तो आपको तकलीफ नहीं होगा। सही, फैमिली वाले बंदे के लिए ना बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि आपका सारा ये इस पे आप आज सारा कुछ आपका यूट्यूब पे चला, अगर एकदम से ये बैन हो जाता है फिर आप क्या करोगे? इसी तरह आप तो काम करने के वैसे ही लायक नहीं रहते। हाँ। लोग बोलते हैं कि इसमें जो है ना बंदा जो है ना बस वो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो भी नहीं है। 15-15 सेकंड के क्लिप के लिए ना दौड़ना पड़ता है, जलील ख्वार होना पड़ता है। YouTube पे आना इतना आसान नहीं है, और अगर आ गए हो तो यहाँ अपनी इज्जत बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ आपको हेटर भी मिलेंगे और सपोर्टर भी मिलेंगे, लोग आपके कपड़े भी उतारेंगे और लोग आपको कपड़े पहनाएंगे भी, तो इसमें जो है ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग जो है ना हार जाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, देखिए इस टाइम आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो काफ़ी दफ़ा हम लोग भी ना हार जाते हैं, हम लोग जोड़ते हैं बस छोड़ दो उसको ख़त्म कर दो, फिर सपोर्टर बोलते हैं कि हम लोग इनके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, और आप भी अगर छोड़ दोगे तो फिर हमारा क्या होगा?
फिर जब वो ताकत देते हैं तो फिर हम लोग फिर खड़े हो जाते हैं कि नहीं चलो वो एक बंदा हमारे लिए लड़ रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो है ना इनके साथ जो है ना क्या कहते हैं खड़े रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से चलाओ, ठीक है, अच्छे तरीके से चलाओ तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप अपने इसमें आप लग्जरी लाइफ भी गुजार सकते हो और नॉर्मल लाइफ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे गुजारना चाहते हो, कैसे लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देना चाहते हो, कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए भी ना आपको एक टाइम लगता है, एकदम से आप नहीं पहुँच सकते, एक टाइम लगता है। और ज़िंदगी में आपको तीन चांस ज़रूर मिलते हैं अल्लाह की तरफ से, तीन चांस आपको मिलते हैं सुधरने के लिए। अगर आप उन तीन चांस को मिस कर दिया आपने और फिर भी नहीं सुधरे तो फिर आप अल्लाह ही वारिस है, मैं तो यही बोलूँगा। यूट्यूब से अर्निंग आपकी स्टार्ट कितने अरसे में हुई? हाँ, यूट्यूब से जो अर्निंग स्टार्ट ऐसे हुई कि ना मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मंथ में ही अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। वो ऐसे कि मेरी बेटी छोटी दुआ पैदा होने वाली थी, उस टाइम पर मैं बहुत परेशान था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे डॉक्टर ने बोला कि 50,000 लगेगा आपके ऑपरेशन का। अच्छा। मैं बहुत परेशान था, मैंने साहब जिनके पास जॉब करता था मैंने उनको बोला कि एक तनख्वाह मुझे एडवांस चाहिए, तो उस टाइम में उन्होंने बोला चलो जो तुम्हारी तनख्वाह है वो तो एडवांस दे देते हैं लेकिन एक और तनख्वाह एडवांस नहीं दे सकते। मैं बहुत परेशान था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। अब 11 तारीख को डिलीवरी थी और मेरी 9 तारीख को सैलरी आ गई पहली पहले मंथ में किसी के। अल्हम्दुलिल्लाह से यूट्यूब में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से एक ऐसा वो हुआ है कि किसी की भी पहले महीने में पिन बहुत मुश्किल से आती है, मेरी पहले महीने में पिन आ गई और पहले महीने में मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह। मेरी मतलब अल्लाह ने मेरा ऐसे नसीब अच्छा है वो किया हुआ है कि आपको क्या बताऊँ, ये मेरी बेटियों का नसीब है, मेरा नहीं है, मेरी बेटियों का नसीब है। लेकिन ऑडियंस इसलिए लेके आया कि मेरी खाला और भाई और सिस्टर जो है वो इस पर पहले थे तो उनकी वजह से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, नहीं तो पहले से उनके अच्छा व्लॉगिंग चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से। खाला के इस टाइम भी 9 लाख सब्सक्राइबर है, जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम उनके 6 लाख सब्सक्राइबर थे और उनको 80% जो लोग हैं वो इंडिया से देखते हैं। अच्छा। 20% अनदर कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, डिफरेंट, लेकिन 80% हमें जो है ना वो मतलब वो इंडिया से देखते थे। तो इस वजह से जो है खाला भी फेम थी और भाई के पास भी फेम थी। जब आप देखें आपके पास अगर लोगों बोलते हैं अगर आपके पास एक अच्छा ब्लॉगर है और सपोर्ट करने वाला है ना बड़ा, आप फौरन वेट हो सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए आपको टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जो अपनी पहचान होती है ना, अपनी पहचान के आपके 10 व्यूज़ भी आते हैं ना वो बेस्ट हैं। वो अपने वो क्यों बेस्ट हैं? वो इसलिए बेस्ट हैं कि वो आपकी अपनी पहचान है, अपनी ज़ाती पहचान आपने बनाई है। जो किसी और की फेम से आप चलते हो ना तो उसके लिए आपको फिर जो है ना बहुत बहुत मसले मसाइल और दुनिया को फेस करना पड़ा। इसने जो है ना ये उनकी फेम से आया था तो ये बातें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। मुझे भी कभी कभार बोलते हैं तुम खाला की वजह से आए थे आगे, तुम भाई की वजह से, तो मैंने कहा मेरा खानदान है मैं उनकी वजह से तो क्या हो गया इसमें। तो कुछ लोग आपको फिर ऐसे भी ट्रोल करते हैं। आपकी शादी कब हुई? मेरी सर मेरी पहली शादी जो है ना, मेरी पहली शादी हुई थी 2013 में से। उसके बाद हमारी क्या कहते हैं 4-5 साल 6 साल शादी चली से। उसके बाद जो है ना मेरा डिवोर्स हो गया, थोड़ा फैमिली इशू थे उसकी वजह से। फिर मैंने दूसरी शादी जो है 2018-19 में की थी सही। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी में से 2 बेटियां और पहली में से एक बेटा। माशाल्लाह। दूसरी शादी लव मैरिज थी क्या अरेंज? हाँ, दूसरी भी लव मैरिज थी और पहली भी लव मैरिज, पहली भी चाचू की बेटी थी, दूसरी भी चाचू की बेटी। मतलब सगी बहन है या नहीं? तो अगर यूट्यूब से अर्निंग का पूछें तो कितनी अर्निंग हो जाती है? या देखो ये आपने जो है वसीम बादामी की तरह सवाल पूछ लिया है तो वो ये है कि ये आपकी डिफरेंट होती है। ये आप मैं अगर आपको बोलूं कि मेरी 5 लाख आ रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हर महीने के व्यूज़ के हिसाब से कि भाई आपके व्यूज़ कितना आ रहे हैं। अभी कभी कभी मेरी फर्स्ट जो मैं आपको फर्स्ट अर्निंग बता देता हूँ, जो मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी वो आई थी 35,000। और अब कितनी आ रही है? अब देखो कभी लाख भी आ जाती है, कभी 1.5 लाख भी आ जाती है, कभी 50,000 भी आ जाती है, वो डिफरेंट है। एक आपके वो परमानेंट नहीं है, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो कि आपको महीने की सैलरी पर ही मिलेगी, वो नहीं है। आपकी अपनी मेहनत पर है? हाँ, आपकी अपनी मेहनत पे आप इसको करोड़ों रुपए में भी कमा सकते हो। मास अफजर हो गया, डकी हो गया, हाँ ये आराम से ले, क्योंकि देखें उनके ना मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। मिलियन से मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख व्यूज आ रहे हैं। अगर उनके इतना व्यूज आ रहे हैं तो आप आराम से महीने के 3 ऑटो ले सकते हो, 2 नहीं 3 ले सकते हो, मैं बताता हूँ।
तो मेरे उतना भी यार मेरे तो अगर कोई अच्छी वीडियो चल जाए तो 1-1.5 लाख, वरना नॉर्मली ये है कि 50-60 लाख भी जाते हैं। उससे ये है कि फिर भी उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छी तालीम दे सकते हो, ये इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अच्छा, और आगे के फर्दर प्लान्स आपके क्या हैं, यूट्यूब को परसू रखना है या चेंज करने का इरादा है? देखें अभी तो फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं है, अभी कुछ फोकस सिर्फ बच्चों पे है, वो इसलिए कि जो है ना हमें तालीम नहीं मिली, इस वजह से फिलहाल फोकस यही है कि बच्चों को तालीम दें। उसके बाद एक सैड बिजनेस का भी सोचा हुआ है कि एक सैड बिजनेस भी होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन व्लॉगिंग के लिए तो आपको फ्री टाइम चाहिए चाहिए, लेकिन एक बिज़नेस भी होना चाहिए जिसमें आपका एक मुस्तकबिल वो भी साथ साथ जुड़े हो, तो वो चीज़ भी हम लोग सोच रहे हैं। बाकी आपने पूछा कि आपने आगे की कोई प्लानिंग सोची हुई है यूट्यूब पे, तो फिलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्लानिंग लानी पड़ेगी क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत टफ चल रहा है, एक से एक बढ़कर मतलब कंटेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो टाइम के साथ जो है ना आपको अपना भी कंटेंट चेंज करना पड़ता है हर चीज़, तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे फिर कुछ और चेंजिंग लाएंगे, मज़ीद और चेंजिंग लाएंगे जिससे जो है ना ऑडियंस और हमें चाहते, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सपोर्ट है, पाकिस्तान इंडिया कनाडा हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सपोर्ट मिलती है। अच्छा, आपको माशाल्लाह से इतनी फेम मिली तो लोग तो आते होंगे कि शाउट आउट्स दे दें, शाउट आउट्स चाहिए? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास अगर कोई चल के आया तो मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। अच्छा, किसी ने शॉर्ट आउट का बोला मैंने दे दिया, मैंने कभी बाज़ दफ़ा मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं कि भाई आप जो है ना क्या कहते हैं कितना पैसे लेते हैं, मैंने कहा हाँ पैसे तो मैं इतना लेता हूँ कि बुर्ज खलीफा खरीद मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे में नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी लोगों ने ऑफरें भी दिया, 1.5-2 लाख रुपए की भी ऑफर दी है कि आप ले लें और हमें शॉर्ट आउट दें। मैंने उनको बोला जब मैं फ्री में देता हूँ तो आपको पैसे ज़रूरी बनने, किसी गरीब को दे दो, मुझे अल्लाह ने बहुत दिए और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा अच्छा सर्कल चल रहा है, तो मैंने कोई एक बंदा भी नहीं बोल सकता कि भाई इस बंदे ने ना मुझसे, कोई हज़ारों लोगों को मैंने सपोर्ट की है एक साल के अंदर जब से मैं आया हूँ, हज़ारों लोगों को सपोर्ट की है, और कोई एक बंदा मुझसे तो ये नहीं बोल सकता कि इस बंदे ने हमसे 1 रुपया भी लिया है कि भाई इसने शॉर्ट आउट। आपके व्लॉग्स देख कर अमूमन के तासुर ये आते हैं कि यार ये घर के मसले मसाइल दिखाते हैं, ये एक मर्द को चीज़ सूट नहीं करती, औरत हो तो समझ आती है, मर्द क्यों घर के मसले मसाइल सबको दिखा रहे हैं? मैं फेम मिली थी खाला की वजह से, ठीक है, और हम लोग नॉर्मली तो अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन जब खाला पे कोई बात आती है, आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ना और उस स्पोर्ट से आप कामयाब हुए हो, आपके बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लाइफ गुजार रहे हैं, तो अगर वो बंदा तकलीफ़ में होगा तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लोग, मैंने कहा लोग तो खुदा पे यार राजी नहीं है, ठीक है, अभी छोटी सी मिसाल है, जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर हम लोग यही रोना होता है यार वो गर्मियाँ अच्छी थी, चलो कुछ खा पी लेते थे, पहन लेते थे, ठीक है, अब जब गर्मी आते हैं तो यार वो सर्दियाँ अच्छी, चलो लाइट नहीं है तो चलो रजाई ओढ़ के सो तो जाते थे, तो लोग किसी हाल में कुछ नहीं है। हमारे माशरे में जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट ख़त्म ही होता जा रहा है, लाइक अगर हम आपके हवाले से, आपकी फील्ड के हवाले से बात करें कि वो सही गलत को देखे बिना बस वीडियोस बनाए जाते हैं खिलाफ हो या कुछ हो बस व्यूज़ के लिए, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? यार देखो, अगर मैं आपका अपना अगर बताऊं तो जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, जिस तरीके से लोग, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा पूछा है कि ये हराम और हलाल, अगर देखा जाए तो ये भी गलत है। अच्छा, ठीक है, ये भी गलत है, इस पर हम लोग जायज काम क्या कर रहे हैं मुझे बताएं, कभी कोई हदीस वाली बात की है? मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कभी कोई नहीं की। अच्छा, कोई दीन की तरफ बात की है? नहीं की, सिर्फ क्या है पैसे की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि ये दिखा दे तो व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, वो दिखा दे तो व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, तो लोग इस चीज़ को आजकल जो है ना लोग हलाल की तरफ तो जाना ही नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते, ठीक है। मैं अपना एक बता रहा हूँ कि मैं बस यही चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों का अच्छा एक मुस्तकबिल हो जाए, ठीक है, लेकिन हम बाज़ दफ़ा हम लोग ये चीज़ को करते करते ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग सही रास्ते पे भी जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो हमें जो है ना बस अल्लाह हिदायत दे और तौफीक दे कि हम लोग अच्छे काम करें, और लोगों अगर 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 आप ये यूट्यूब पे आए हो और अच्छा काम कर रहे हो तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, ठीक है। मेरा ये मकसद था जब मैंने यूट्यूब पे आया था, तो मैंने ये सोचा था कि अल्लाह ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है, मैंने पहले दिन से ऐद किया था अगर मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं कामयाब हुआ तो मेरे साथ जो जो जुड़े हुए लोग हैं ना मैं उनको भी सपोर्ट करके ऊपर लेके जाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मुझे वो कामयाब किया और मैंने वो जो चीज़ें कही थी वो मैंने करके भी दिखाई,
और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अभी ये बोलूँ, मैं अभी अभी भी काफ़ी लोगों को सपोर्ट करता हूँ, सिर्फ इस वजह से, पता नहीं किसकी दुआ से मैं इस मुकाम पे हूँ। सही, मुझे नहीं पता यार कि मैं इस मुकाम पे हूँ, कभी भी मैं कभी भी, लेकिन जो भी है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी मदद करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, कभी इस तरह होता है कि आप ब्लॉग या अपनी डेली लाइफ आप शेयर कर रहे हैं और आपको कभी हो गया यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, कभी इस तरह की फीलिंग्स आती हैं? यार एक दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा आई है। कभी कभार यही बोलता हूँ, सोचता हूँ कि यार इसको छोड़ के वो जो टायर धो रहा था ना वो अच्छे थे। वजह बाज़ दफ़ा ना लोग आपको इतना तंग कर देते हैं ना कि ना आप हार जाते हो। अच्छा। आप यही सोचते हो कि यार वो जो मैं टायर होता था ना उसमें मुझे एक तो पता था कि यार एक ही मालिक है, इसने मुझे जो है ना तनख्वाह देनी है। अब तनख्वाह दे रहा है तो ज़ाहिर बात है मुझे काम भी करने पड़ेंगे। सही, वो एक ही सुननी पड़ती थी। यहाँ जब आप जो है ना भीड़ में जमा होते हो ना तो अकेले हो जाते हो ना, तो फिर ना आप अपने यहाँ हार जाते हो, छोड़ देते हो। मतलब कभी ऐसी फीलिंग आई है कि यार ये हज़ारों का मजमा है, सारे मुझे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं लेकिन मैं फिर भी अकेला खड़ा हूँ? कई दफ़ा हुआ है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब से मैं YouTube पे आया एक साल हो गया है और जिसको भी सपोर्ट किया उसने ना पलट कर वार किया। कभी किसी से भलाई की तवक्को रखी नहीं है और ना ही कभी कोई भलाई मिली है। जिसको भी सपोर्ट किया है किसी ने भी, मतलब ये है कि कोई अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं मिला। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहे, या स्टोरी मैं नहीं शेयर करता, नाम शेयर ना करें बस स्टोरी, नहीं वो समझ जाएंगे ना यार। अच्छा। मैं किसी के ना दिल आजारी नहीं करना चाहता। देखो उन्होंने मेरी की, अब मैं उनकी दिल आजारी करूंगा तो फिर मेरे और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। जो रोस्टर्स होते हैं जो कि अमूमन ब्लॉगर्स को बहुत कह सकते हैं कुत्तियां कर देते हैं 2 मिनट में उनकी, तो उनको किस तरह से देखते हैं? उनका सर्कल चूल्हा जल रहा है तो अच्छी बातें करते रहें या उन्हें रुकना चाहिए? यार देखो कुछ हद तक वो ठीक है क्योंकि कुछ हमारी गलतियां होती हैं, ठीक है, और वो हमें रोकते हैं, और कुछ हद तक तो वो इतना इंसान को जलील कर देते हैं कि अगला बंदा ना मरने पर भी आ जाता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश भी कर ली होती है सिर्फ उनकी इन बातों की वजह से। तो इतना मतलब इंसान को जलील ना किया जाए कि अगला बंदा जो है ना जीने ही छोड़ दे। मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप रहो, लेकिन ये लोग अगले बंदे को इतना मौका देते हैं कि वो अपने ना मतलब मरने की कोशिश कर लेते हैं कि यार मैं मर जाऊँ तो वो बेहतर। YouTube पे आप कितने आज़ाद हैं? सर YouTube पे अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं 100% आज़ाद हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं काम करता और ना ही मुझे किसी के दबाव में काम करना आता है, मैं अपनी मर्जी से। नहीं जिस तरह होता है ना कि व्यूज़ इस जगह से आ रहे होते हैं कि ये चीज़ दिखाओगे तो व्यूज़ आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा तो उस पर व्यूज़ कम। कभी सोचा ही नहीं है, ये पता है कि जो मेरे नसीब के हैं वो मुझे मिल रहे हैं और जिनकी दुआएँ मुझे मिल रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10,000 भी व्यूज़ आ जाए, 20,000 भी आ जाए, मैं अपनी रजा में खुश हूँ। अच्छा, मेरे नसीब के यही है। और अल्लाह पे रिस्क की जानिब से तवक्कल किस तरह बढ़ा आपका? सर अल्लाह पे तवक्कल की तरफ, आपका जो रिस्क की तरफ जो आप बोल रहे हो ना, वो अगर आप, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप एक बंदे की हेल्प करोगे ना अल्लाह आपको ना 10 जगहों से आपके रास्ते खोल देगा। ठीक है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे अकाउंट में एनी टाइम 20,000 मेरे अकाउंट में होगा। अच्छा, ठीक है, ये किसी की दुआएं हैं जिसकी वजह से इस मुकाम पे हूँ और अच्छा और ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये उन सब की दुआएं हैं और उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी भी उनसे, उनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि मुझे, मैंने आपको छोटा सा बताया, मैंने 20,000 भी नहीं सोचा था कि अल्लाह जो है ना कभी भी पलड़ा चेंज कर सकता है, लेकिन इंसान को यकीन होना चाहिए। बाज़ दफ़ा ना लोग ना बोलते हैं कि हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, क्यों ये अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुनता, सबकी सुन रहा है। भाई सुनता है, सिर्फ एक टाइम पे वो आपकी आजमाइश देख रहा होता है, आप कितना आजमाइश में जा सकते हो। देखें आजमाइश भी उसी इंसान पर आती है जिस इंसान को अल्लाह पसंद करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। मोटिवेशन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से मिलती है, सिर्फ ढूंढने की नज़र चाहिए। हाँ बस। अच्छा, अगर कोई एक मैसेज जो कि आप आगे फैलाना चाहें वो क्या होगा? या मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आप किसी गरीब की मदद करोगे ना तो अल्लाह आपको कामयाबी देगा। मैं ये करता हूँ और मुझे कामयाबी मिलती है।
अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मैं कभी वो एक चीज़ याद रखिएगा कि वो वाला भी गरीब को नहीं दिखाइएगा कि आप अगर 500 दे रहे हैं तो ये मैं गरीब को 500 दे रहा हूँ, ये चीज़ कभी भी ना कीजिएगा। वो कीजिएगा कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को भी। अच्छा दिलबर भाई, एक चीज़ आपने यहाँ पर की तो उससे सवाल मेरे दिल में जागा कि अगर हम कोई गुनाह का काम कर रहे होते हैं, गाने पे नाच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम उसको बड़ा फखरिया तौर पे पेश करते हैं जिससे उसको बढ़ावा मिलता है। मैंने आपको बोला तो है कि हम लोग गलत काम की तरफ भाग के जाते हैं और नेकी की तरफ नहीं जाते। नहीं, जिस तरह अगर हम नेकी का कोई काम कर रहे हैं और हम उसको दिखाएं कि उसका फरोग हो आगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नेकी का जो काम होता है वो आप कभी किसी को दिखाते हैं। अच्छा, तो दिखाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो यही है ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अच्छा। नेकी वो होती है और जो बेहयाई होती है वो आप सबके सामने धूम धड़के से शो करके दिखाते हो, हाँ जी मैं हूँ। तो नेकी जो है ना वो हमने अल्लाह को दिखानी होती है और बेहयाई जो है ना हमने इधर आवाम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आपने नया घर लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से मैंने नहीं लिया, मेरे जो सपोर्टर हैं उनकी मेहनत से। मैंने आपको बोला ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये चीज़। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और मैं हर वक्त शुक्र अदा करता हूँ कि ये इस काबिल समझा और हम लोगों ने अपना घर ले लिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि घर ले लेंगे, ये बहुत मुश्किल आज के दौर में, बहुत मुश्किल। आपके घर के लिए मैंने अपने हाथों से एक छोटा सा तोहफा बनाया, मैं चाहता हूँ कि वो आप एक्सेप्ट करें। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.